क्योंकि भाई लाइफ चल रही है, कोई भाई बुराई बुरा मत मानना बिल्कुल भी। ना ना कोई दिक्कत नहीं अरे यार निकेत भाई, भाई तू गुस्से में चला गया भाई, मुंह फुला के। अरे भाई गुस्से में तो आप हो भाई, तू तू तो ऐसे आया भाई जैसे इतना नाराज हो गया जैसे मैंने तेरे मुंह में हक दिया। तो अरे तेरे मुंह में क्या कर दिया मैंने, ये भी तो सोच ले। और क्या भाई तेरा नाम क्या है भाई? तो मेरा नाम देख आईडी पर होगा लिखा हुआ, तो तू बताओगा नहीं? आईडी पर तो चेक कर ले, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को, तीन ही लोगों के नाम दिख, मुंह से बताना भाई। इमरान कुरैशी। अच्छा, इमरान कुरैशी। और भाई क्या करता है तू? मैं अभी तो मैं यहीं पर हूँ, घर पर ही खेल कूद रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो मेरी वीडियो देख के क्या मुठ मारता है क्या घर पे? तेरे मुंह पे घूम क्या करे भाई तू? हम कुछ काम नहीं करते, अभी तो ऐबदारी कर रहे हैं बस। अरे भाई तो रोटी पानी कैसे होगा? अपने गुज्जर भाइयों तो किराया आता है, तू तो कौन बेचता होगा फिर? हमारे बाप पास भाई जमीन होवे भाई कतई, समझा भाई? बिल्डर अप्रोच करे भाई, बिल्डर कहे भाई ये गाय भैंस हटा दो, हम आपको दे देंगे 10 करोड़ भाई, ऊपर से 4-5 दुकान दे देंगे भाई, बिल्डिंग में 5-6 फ्लैट दे देंगे भाई, हम लोग 15-20 लाख किराए बैठ के खाओगे। एक काम कर ले, 4-5 तू तो भाई गुज्जर ना है तने, तो गाड़ देनी है, और क्या करना है तने? अरे 4-5 दुकान हमसे ले ले, नोएडा में ले ले। अच्छा तेरी दुकान है ऐसे? भाई तेरी दुकान तेरा पिछवाड़ा लागे मेरे को तो। सच बता, तेरी दुकान का शटर भाई एक ही है और वो 3 इंच का शटर है भाई, उसपे तेरा धंधा चलता है पूरा। सुन ये तेरे बालों का इलाज है, 100 रुपए में करा दूंगा तेरे बाल सेट, 100 रुपए की तेल की शीशी आती है। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, तो तेरे गांड में तेरे गांड में डाल दियो वो, कसम सुन तेरे गांड से चोटी निकलेगी भाई, सुन वो शीशी तेरे गांड में डाली हो भाई, चोटी निकलेगी तेरे तेल से बालों की। तेरे बाल नहीं आ जाए ना पेप से, अपने पैसे 100 रुपए ले ले वापस। और बता, एक तेल है, अपना एड्रेस भेज दे, अगर बाल नहीं आए पैसे वापस। भाई देख मैंने खुद ने बनाया वो तेल। अच्छा हाँ, तो वो तेल मुझे दे दे, मैं तेल डाल के तुझे पेलूंगा। तेल लेके पेल दे, एड्रेस देना, मैं जो इनको भेजूंगा कोरियर करूंगा इनको। बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा और कुछ बताना है भाई तुझे? क्या नीचे बैठना है? बात कर अच्छी सी तो ऊपर रहेगा, बोर करेगा नीचे बैठेगा तू भाई। यहाँ पे ऐसे आया जैसे सांसद है और यहाँ पे पार्लियामेंट में बैठो, तू यहाँ पे भाषण देने के लिए बैठा है तो वो तो पहले तू बेचो पॉज मार के चला गया, तू मोदी मोदी साहब के जैसे पॉज मार के चला गया, अभी 10 मिनट के बाद आया तो बकचोदी पेल रहा है यहाँ पे। और क्या करूं तेरे साथ में भाई, ऐसे पॉज ले लेके बात मत कर, इधर टाइम नहीं है इतना, ये गांड पे लात मार के नीचे बता लटका लटका के बैठेगा। अब तेरे जैसों के साथ तो बकचोदी होगी, और क्या होएगा इमरान भाई? जी भाई, जी भाई, अरे भाई बनी भाई कॉल मत करो, बनी भाई मैं आपको ऊपर ले रहा हूँ, कॉल मत करो। अरे भाई किसी ऐसे बंदे को ले लो जिसके मैं मार सकू भाई। बनी बनी भाई, बनी भाई आ रहे हैं, बनी भाई। आवे गंजे, और अभी तक सोया नहीं? अबे तुम सब मुझे दिख नहीं रहे हो यार, रीएड करियो एक बार, रीएड भाई। वैसे भी तेरी जिंदगी अंधकारमय है, कहाँ पे तुझे दिखेगा? अंधकार नहीं, तेरी जिंदगी मेरी गांड के छेद में है, समझ गया? रीएड कर एक बार, अनिकेत रीएड कर जल्दी। भाई ये गुमनामी के अंदर में खो गया है भाई, ये वीडियो घेरता है इसको, तेरा फूफा इसके वीडियोस को मिलते 20 व्यूज और 2 कमेंट्स। बता बता भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, तूने जो छाती है ना भाई तेरी, मैं कतई कह रहा हूँ भाई, मैंने ऐसी बॉडी नहीं देखी मेरी जिंदगी में। गंजे ये देख भाई, ये ऐसे लग रहा है जो साधु महाराज को 3 दिन खाना नहीं मिलता है ना भाई। मैं सो गया था, देख रहा हूँ
तो दूसरों की गांड तोड़वा रहा है। विनीत सरदाना और पुनीत चौधरी ने इसकी हालत देख क्या कर दी भाई, कसम से ये देख। अब फिर मैं कुछ बोलूं बड़वे, अब तू वहां जा रहा है ना, तेरी बहन की तू दल्ले, तेरे को इतना समझाया ना बहन के लंड, फिर तू वहीं जा रहा है। हाँ ठीक है, हाँ बोल बहन के लंड, फिर उसके बाद हंसता भी तू ही है। ठीक है भाई, हाँ बोल चल। गांड मरा रहा है भोसड़ी का गंजा। हाँ बोल, क्या बोलना चाहता है भाई? तू सुधर जा वरना मैं बता रहा हूँ तुझे, बहन जो तेरे चूतड़ों में ना वो 101 रॉकेट जो जलते हैं ना डब्बे वाले, तेरी गांड में डाल दूंगा मैं बहुत जल्दी, मैं तुझे बता रहा हूँ सच में। बहुत तेरे को पता है जो तू यहाँ पे गाली देता है वहां पे तेरी आईडी बंद होता है भोसड़ी के, शर्म कर ले अभी, भूखा ले मेरा। तू बहन के लंड, तू मैं बता रहा हूँ तुझे, तेरी तेरे मुंह में ऐसे कोनी दे करके ना बहन के लंड, और ऐसे हाथ पूरा खोल दूंगा एक दिन में, तू देख लियो भाई। तेरी चार छतरी खुल चुकी है अभी गौड़ में डाल डाल के तेरी चार बार छतरी खुल चुकी है अभी गौड़ में डाल डाल के भाई, चार बार नहीं तीन बार, चौथी है जाएगी भाई, शर्म कर ले भाई, अच्छा रहे भाई, बड़ी क्यों किससे पंगा ले रहा है। मैंने ना माँ कसम कल सपना देखा कि तू दिल्ली आया है और तेरे को कल तेरे खास खास लोग तेरे को छतरपुर लेने आए हैं और तेरी गांड में छतरी दे दी उन्होंने, माँ की कसम। तेरा स्वागत हो रहा है लंड लंड के मालाओं के साथ, तेरे गर्दन में डाल करके ओए होए, तेरे को फिर रेंज रोवर में बैठा करके और लंड का मुकुट पहना। अच्छा, करके तुम मुझे एक बात बताओ, जिस तरह से मैं अपने गुज्जर कम्युनिटी को सपोर्ट करता हूँ, तुम एक बात बताओ, अपने जितने भी गुज्जर भाई है भाई मुझे प्यार करते हैं मनी मन में, क्योंकि मैं भाई सुन मनी मन में करते हैं दीपक, बस मनी मन में तन मन धन देंगे तुझे। सम्राट बहुत गुज्जर थे, गुज्जर रहेंगे। सुन जय बाबा की हो भाई, हर एक नारे लगाए दीपक कलाल ने, भले सुन सम्राट भोज गुज्जर थे, गुज्जर रहेंगे, जय बाबा की, जय भाई इज्जत करें दीपक कलाल, अपने गुज्जर समाज की, अपने गुज्जर भाइयों की भाई, हमारा इज्जत तो लंड लंड किसी की इज्जत नहीं करता, तेरी गांड फटती है तू इज्जत करता है। बिल्कुल इस टाइम खुल के भाई अपने भाइयों का सबका साथ दे रहा है वो बढ़िया तरीके से भाई, दिल से प्यार करता हूँ अपने गुज्जर भाइयों से। अब बता दीपक भाई तो है अपना, लेकिन दीपक है बहन का लोड़ा एक नंबर का, समझ रहे हो, इसकी गांड फट जाती है और फिर ये अपनी गांड इधर उधर इधर उधर इधर लेकर के डोलता है, बस इसकी गांड में खुद का गूदा कुछ नहीं है भाई, दुनिया में खुद का गूदा है कुछ, और तू मांग तू बोले लोगों का गूदा, तू खुद दुनिया से छुदा। तू बोले भाई दो लोगों की गांड का गूदा, भाई दीपक कलाल ने इज्जत कमाई है, भाईचारा कमाया है दीपक कलाल ने, तूने मेरे लंड का टोपा भी कमाया है, तुझे अभी पता नहीं है भाई, तुमको लगता है मनिया भाई मेरे से कोई नफरत करेगा, तुम मुझे बताओ नफरत तो मैं भी दुश्मनी हो भाई, दीपक कलाल को इज्जत मिलेगी दिल्ली में, ये बात मैं तुझे बताओ लिख के दू, वेलकम, इज्जत तो तेरे को भरपूर मिलेगी, तू आ तो सही, अपने दिल पे हाथ रख के कहते बहन के लंड तू दिल्ली आएगा भाई, मुस्कुराए भाई, मोनू भाई है भाई, ये बात कम करते भाई, पितर ज्यादा भरते, इनका रिकॉर्ड देख लियो, रिपोर्ट ओके मिलेगी। कौन मोनू भाई? मन्या भाई जो अपने ऊपर मन्या भाई बैठे है भाई, बातें कम करते पितर ज्यादा भरते, ज्यादा बात नहीं करते। तू यही तो बस दिन रात गांड गुलामी करेगा, इधर भाई उधर भाई, इधर भाई उधर भाई, कुछ भाइयों पर टिक जा, वरना माँ की कसम मुझे यही सारे भाई तेरी गांड में तबला बजाते हुए दिख रहे हैं अपने सर की कसम भाई, तो मैंने तो उसमें भी मजा ले लू मैं, इतने खूबसूरत भाई डोले शोले वाले भाई जब तबला बजाएंगे तो मेरे को तो उसमें भी फीलिंग्स आएगी भाई, मेरे को कोई बुरा ना लगे इस बात का भाई। हाँ तू तो है ही बहन, तू बहुत गंदी फिल्म है, पहले पहले गांड मार लो फिर सॉरी बोल दो, बहन जो चूतड़ जैसी शकल लेकर के फिर दूसरे दिन तुझे वैसा हो जाना है ना, वाली लाइन में बहन तो। एक मिनट भाई है, बहुत देर से मैसेज कर रहे हैं, मैं एक बार भाई को ऐड कर लूं, दोबारा ले लूं, ओके ओके।
अंकुर भाई आप ऊपर आ जाओ, अक्की भाई ने बोला था मेरे ख्याल से, दीपक भाई अक्की भाई ने बोला था ना, अंकुर गुजर भाई वो आ गए भाई, जितने भी अपने गुज्जर भाई है भाई मुझे सपोर्ट करते हैं वो लोग, और ये भाई रोस्टिंग लाइव चल रही है, दीपक भाई फुल सपोर्ट है फुल भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपने भाइयों ने जो भी प्रॉमिस किया है भाई मेरे साथ किया है, गलत नहीं किया है, दीपक भाई कैसी बात कर रहे हो, अक्की भाई ने बोला भाई 101 केक कटेंगे भाई, 100 नहीं कटे 101 ही कटे, बिल्कुल भाई अपने गुज्जर भाई जबान के पक्के हो गए भाई, भाई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो, करेंगे यार, चलिए ये कह रहा बहुत देर से इसको भाई को दे देता हूँ, एक ये भाई है पता नहीं कौन है भाई, विजय एक मिनट भाई एक मिनट, विजय भाई नहीं चल रहे, दीपक भाई माले भाई राम 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 भाई राम राम, और भाई कैसे हो भाई, तेरे में दिल में तो बहुत कुछ था बोलने के लिए भाई, आवाज कम आ रही है, आवाज थोड़ी कम आ रही है, अब तो वो भी गई दिख रही थी, अब ठीक है हाँ। दीपक तेरे लिए दिल में बहुत कुछ था कहने के लिए, पर तूने गुजर सम्राट मीरबोज की जय बोल दी ना, तो थोड़ा गुस्सा कम हो गया भाई, दीपक कलाल भाई बहुत प्यार करता है, और ये रोस्टिंग लाइव चल रही भाई, कॉमेडी कर रहा हूँ मैं भाई, दिल से सपोर्ट है आप लोगों की, और अपने गुज्जर कम्युनिटी के जितने भी भाई है भाई, दिल से इज्जत करता हूँ मैं सबकी, बढ़िया यही करेगा तो जिंदा भी रहेगा भाई, ये जो लाइव है भाई, ना तो तूने इतने दुश्मन बना रखे है ना, पता नहीं तुझे, तू बोला ना कितने लोग प्यार करते हैं, तुझे इतने लोग प्यार करते हैं, तू इस दिन मिल जाएगा ना, तुझे बिना मारे छोड़ेंगे नहीं पहली बात तो, और एक बात सही, तूने गुजर भाइयों का गुजर भाई, तूने भाईचारा तो बना लिया, चल अब तू चाहे फॉलोवर के नाम पे बना लिया, किसी के नाम पे बना लिया, तूने बना तो रखा है, चल मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे दो सवाल पूछने हैं, ये आर्यन चौधरी के अंदर क्या कीड़ा है साला, इतनी गाली भाई, आर्यन चौधरी इधर उधर हांटा फिरे भाई, ये क्या करे भाई, जो पब्लिक टॉयलेट है उसके सामने बैठ कर कहीं दारू पिए भाई, ओला उबर ड्राइवर है आर्यन चौधरी, नो भाई तो ये भाई इधर उधर बियर चोरी करके पिए भाई, ये बियर चोर है, जैसे वो साखली चोर नहीं होते है या सोना चोर भाई, अंगूठी चोर, वैसे बियर चोर है भाई, ये बियर चोरी करे घूमे ना, चल बढ़िया, मैं तो एक और चीज बात बता रहा, एक बन्नी भाई है ठीक है, देख तुम लोग जानते हो मैं नहीं जानता, आर्यन की तारीफ सुन लेता हूँ एक दो बार, मतलब कमेंट में तेरी तो कुछ लोग फैन आ जाते हैं, हाय सर वैसा कर लेते हैं, लेकिन भाई बन्नी से क्या किलस है, बन्नी कोई गाली बिना गाली की बात ही ना करता, पता नहीं भाई मेरी तो बहुत इज्जत है बथेरी में, कसम से कह रहा हूँ भाई, मैं आज दिल्ली आ जाओ भाई, मेरे लिए काफी ला खड़ा हो जाऊंगा भाई, दीपक कलाल ने भाईचारा कमा के रखो भाई, और अभी भी रिपोर्ट ओके है, मेरे लिए तो दिल में बहुत कुछ था बोलने के लिए, पर तो गुजर सम्राट मीरबोज की जय बोल दी ना, मैं चल ठीक है, पिछली बार भी एक बार लाइव आया था, सब बंदे कमेंट कर रहे थे वो मीरबोज कौन थे, तू कुछ बोल नहीं रहा था, तुझे मतलब उठा गुजर ही रहे भाई रहे अपने, या तो भाई उठा रहे हैं, चल तू आज बोल दे, चल बढ़िया फिर तो, और भाई तू क्या क्यों कॉम करे भाई, है भाई मैं भाई वीडियो बनाऊं, अच्छा टिकटॉकर है के, ना ना भाई वो मुजरा नहीं आता मेरे को, अपनी वॉइस पे डायलॉग बनाता हूँ भाई, अपने गुज्जर भाई तो बड़े गोरे गुलाबी ओठों वाले भाई, तू कैसे क्या चूल्हे में गिर गया था बचपन में क्या भाई, अपने जो गुज्जर भाई है गुलाबी ओठ वाले भाई गोरे गोरे होते, तू क्या बिटोड़े में जन्म लिया था क्या तुमने किधर, नो नो भाई तेरी माँ की चूत की भट्टी में जन्म लिया ना, वही 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 इतनी गर्मी तेरी जान कसम, सारा चेहरा जल गया और फिल्टर लगाना पड़ रहा, इतनी गर्मी तेरी जान कसम भाई, तेरी शक्ल भाई इतनी भाई, वो जो बिटोड़े में गोसे होते ना भाई, बिटोड़े के गोसे मेरे चेहरे पड़ गई तभी तो बिटोड़े निकल गया, तू ये होता ना ये झूला पपड़ी खल पैदा होगा तू भाई, बिटोड़े के गोसे तेरी शक्ल लागे भाई, समझ कह रहा हूं भाई, बचपन में समझ में नहीं आ रही है, इतनी प्यार से बोल लो, मान ले भाई कुछ गलत बोला है मैंने, ना ना कोई ना भाई, मैंने ये पूछा था कि भाई बचपन में चूल्हे में गिर गया था क्या भाई, इतना काला कैसे हो गया, बोल तो रहा हूँ भोसड़े फिल्टर के बाद भी काला लग रहा, तेरी आंखों में लट घुसा पड़ा,
मैं बताता हूँ मागे जूत में उसमें बोल रहा बैंगन का इतनी गर्मी बैंगन लागे भाई तू वो इतनी भरता बनाने के पहले बैंगन को कैसे चूल्हे में जलाते हैं भाई वैसे तेरी शक्ल है वो सारी गर्मी मेरे चेहरे पे आ गई इस चक्कर में तू बिना ठंडा पट पैदा हो गया इतना ठंडा कहीं भी और तू क्या कह रहा भाई बियर से गांड धोता है हाँ भाई पैसा बहुत है मेरे पास बियर से गांड धोता हूं मैं बता रहा हूं सुनो जरा रुको जरा सबर करो तू बियर से गांड भाई अब तू बोलेगा भाई चुप की तू गांड धो के कड़ी खाएगा तू कड़ी खाएगा यही विनाशी डोलती है मेरी गांड धो के कड़ी खाएगा तू कड़ी चावल खाएगा बता हैं भाई जब मैं बियर से धो रहा हूँ तो तू मेरी गांड पानी से धो के कड़ी चावल क्यों खाना चाहता ये बता मुझे बेबी सुनो तो सही मुझे बोलने तो दो अब ऐसे थोड़ी मतलब बोलने का मौका नहीं दोगे डिबेट तो हो रही तो बोलने का मौका तो दो आज तो तू फंसा है तू बोला गांड धोता बियर से तेरी बात कह रहा हूँ तभी तेरी गांड में तो नशा है भाई कि तू कहीं भी तेरी गांड नाचती फिरती है और तू कहीं भी किसी से मरवाता रहता है मतलब इतना मतलब ही तो तभी तो तेरी गांड गुड़गांव बन रखा है भाई गुड़गांव नहीं अब तो ग्रेटर नोएडा बन रखा है भाई पहले स्मॉलर नोएडा था अब तो भाई ग्रेटर नोएडा बन गया पहले स्मॉलर नोएडा था अभी भाई खुल के ग्रेटर नोएडा बन गया मेरी गांड मेरी बात सुन अब बता तुझे फैजलपुरी ने भी मारा था तेरे को तो हाँ मारा था तो देख कितने गर्व से कह रहा हूँ मारा था तो बहन चोद शर्म ही नहीं है अरे भाई तो 4 करोड़ दिए मुझे फैजलपुरी ने कभी 4 बॉडीगार्ड से पिलवा और दियो तो उसमें खुश हो जाएगा भाई ये जो सोशल मीडिया पे देखते हो ये दिखावा होता है भाई पब्लिसिटी स्टंट होता है ये सच नहीं होता है कुछ सोशल मीडिया पे जो दिखाता है वो देख ले कभी भैया फैजलपुरिया भाई देख भी रहे फिर दोबारा आके छेद दे तुझे फैजलपुरिया भाई अपना राहुल हम कहे उसे राहुल यादव नाम है उसको पता है ना तुम्हारे लिए बड़ी तोफ होगी भाई अपने लिए भाई राहुल है वो अब तो तू बोलेगा ही कोई बात ना भाई अपने को है भाई अपने गुज्जर भाइयों का सपोर्ट 36 बिरादरी का सपोर्ट भाई मैना किसको मानू एक मिनट बोलना भोसड़े चुप हो जा अब राजपूत लोग मारेंगे इसकी भाई इसने जो बात बोली है गुर्जर सम्राट मीर बोझ वो बिल्कुल सच है ठीक है दादरी में अनावरण हुआ है गंगा जल धुला गई है अखिलेश यादव ने सपोर्ट करा है ठीक है भाई और गुर्जर थे गुर्जर है गुर्जर रहेंगे मैं यादव बोल गुर्जर थे गुर्जर है गुर्जर रहेंगे ठीक है सब भाई राहुल की बात है भाई हमारा इसका समर्थन करते ना उसको उकसाते भाई गलत गलत चीज है बट राहुल और मेरा जो झगड़ा हुआ था भाई मैंने उसके 4 करोड़ लिए थे 4 करोड़ में कितने जीरो होते हैं जीरो एक बार भाई तने कौन सब तू मेरा सीए है के या मेरा ते मेरा चार्टर्ड अकाउंट का काम करो वो अभी हा? अभी 4 करोड़ मैं तो देता हूँ ना तू 4 करोड़ बता कितने सीए कितने जीरो होते हैं तू इतना बता दे बस भाई तुझे 40 रुपए मिल रहे तो तू डोलन लागे भाई तेरे घर पे बोल रहे ठीक है पहले निकेत भाई पूछ ले पहले बार प्रोफाइल देख ले अपने बाप की चाची फूफा फूफी फॉलो करे भाई वो बहुत तगड़ी प्रोफाइल नहीं है तेरी अरे तू प्रोफाइल भैया अब सोशल मीडिया तू खुद कह रहा दिखा हुआ है ठीक है तू खुद कह रहा है ना अब सामने बोल पर पता चलना चाहिए कि वे कौन क्या है पता नहीं चलता अब तुझे मानना भाई तेरे पीछे, पीछे जो हैंगर लटका है ना तेरे घर के पीछे भाई उसको कच्चे लटक रहे फटे कच्चे लटक रहे तेरी औकात मने पता है भाई अच्छा आपको मिलन तभी गया ये जो बड़े बड़े नाम ले रहा है ना अखिलेश यादव और ये वो भाई कुछ घंटा पहचान नहीं है तेरे मतलब बोले भगवान की वो है भगवान की पर मतलब बोले भोसड़े मुंह में ही मुंह तो चल ले मिनट से भाई तेरे को करनी है कंट्रोवर्सी क्या एक मिनट तेरे को करनी है भाई कॉन्ट्रोवर्सी चाहता है मुझे अंकित भाई ये कौन है संजना मेहरम ऐड के लिए बोल रहे तब से कौन है भाई कौन संजना मेहरम क्या नाम है मैं एक मिनट में कर रहा हूँ भाई बस एक भाई बैठे नहीं जो शूटर भाई मैं और कर लूँ मन्या भाई आपकी उम्र क्या है ये कौन है भाई हेलो हेलो
भाई नीचे उठा भाई, इसको ये कौन है भाई, ये तुगल का बात का फोर्ट दिख रहा है क्या यहाँ पे? ये मुझे अलवर का लग रहा है, ये अलवर का फोर्ट, इसके डीपी पे अलवर का वो किला देख रहा है ये बंदा, अलवर का लग रहा है मुझे। फेक है शूटर भाई की। अच्छा अच्छा भाई ठीक है भाई, फेक आईडी थी वो। बन्नी भाई का बिना एड्रेस ख्याल से अटक गया, चटक गया जाए कर। एक लास्ट बढ़िया भाई, एक बंदा है उसकी गांड तुड़ाई करनी है भाई, नंबर दे दूंगा मैं, उसको उठाना है भाई कल। ठीक है दीपक भाई, नंबर फोन कर दिए। हाँ अरे चीता एक बात तो है भाई, अक्की भाई को कभी भी ले लो, एवरग्रीन चेहरा मुस्कुराता ही मिलेगा भाई। दीपक भाई से प्यार जो इतना करता हूँ, दीपक भाई को देखते नहीं मेरे मेरे चेहरे पे हंसी आ जाती है। कसम से कह रहा हूँ, तूने बंदे को मेरे को मिलाया भाई, इसको देखकर भाई खुश हो जाता है बंदा भाई, इसको देख के मैं कसकते ही रोस्टिंग लाइव ना करूँ भाई, बट ये बंदे को देख के ऐसा लगता है कि भाई ये बंदा दुनिया मुट्ठी में रखे यार। दीपक भाई भाई बंदे की पर्सनैलिटी होते ना कोई बंदे की भाई, आप ऐसा होवे कि बंदे को देखकर भाई लगे कि नहीं बंदा है भाई, वैसे देखकर इसको है ना भाई ऐसे लगता है कि नहीं भाई अपने साथ अपने गेल अपने दोहरे को ही खड़ा है। दीपक भाई मान्या भाई के, मान्या भाई के लिए बोल दो कि मान्या भाई को फॉलो करें एक बार। भाई मैं कसम से कह रहा हूँ भाई, अभी तक तो बहुत लोगों ने मुठ भी मार ली होगी इसको देखकर भाई, इतनी बॉडी इसकी खूबसूरती भाई, कसम से कह रहा हूँ। ये कौन है? संजना मेहरा। पता नहीं भाई, बहुत मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजी थी, उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी। भाई बंदा इतना खूबसूरत है भाई, मैं कसम से कह रहा हूँ, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है भाई, इसकी बॉडी देखकर लोगों ने फॉलो किया भाई, 4 लाख का तो टैटू है भाई का बता। मणिया मणिया अंकित ऊपर कौन है कह रहा, देखा मेरे ख्याल से कुछ रोस्ट वोस्ट मतलब पता नहीं क्या कह रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। ले लेवा चारों में ले तो रहो, सब ले तो रहो। मन भाई एक मिनट बस। अच्छा अपना ये भाई है अनुज अवाना, इसको ले लीजो। आईडी बताओ भाई की, अनुज अवाना। अच्छा मिल गया अनुज अंडरस्कोर अवाना। भाई है अपने अट्टा का है भाई, अपना भाई अट्टे अट्टा में रहे भाई, अट्टा में जान है भाई, भाई दीजिए अवाना जी। हाँ भाई अपना पुराना दोस्त है ये, 4 साल से। अच्छा अच्छा डिक्लाइन कर रहे थे क्या मेरे ख्याल से भाई वो। भाई यहाँ पे जो हुक्का खत्म हो जाता है ना सब डिक्लाइन करते भाई, यहाँ पे स्टाइल मारते लोग, जब हुक्के का गोबर खत्म हो जाता है ना भाई, सूखा गोबर जला जला के हुक्का पीते हैं भाई, और स्टाइल ऐसे मारते हैं ना भाई जैसे बड़े बड़े फ्लेवर लेके बैठे ये लोग, कुछ नहीं होता है भाई, सूखी टट्टी जला जला के फूके, और जब खत्म हो जाए वेंचर तो कॉल डिक्लाइन करे। दिखावे की दुनिया है, कतई दिखावे की दुनिया भाई। सुना दिया दीपक भाई, इनको तो जानते होगे आप, ये जो नीचे आए हैं भाई देख लो अब तक सोया नहीं है, देख रहे हो दीपक भाई। भाई मुझे पता नहीं कौन सा फिल्टर लगा के आता है ये बंदा भाई, कतई कह रहा हूं मैं। एक तो पहले से ये लाल, ऊपर से पता नहीं कौन सा स्ट्रॉबेरी का फिल्टर लगा के आता है ये देख भाई, ऐसे लग रहा है बवासीर होने के बाद गांड के अंदर से चर्बी निकलती है ना भाई, कतई वैसे भाई। और कुत्ता जब कुतिया के ऊपर चढ़ता है तो ये जो पीछे लटकता है ना भाई, ये ऐसे होता है, ये देखो भाई ये
टुपिया जब चूट जाती है ना भाई, तो गाढ़ के पीछे ये जो लटकता है ना भाई, ये वैसे ही वैसे इसका। ओ भाई दीपक भाई अपना भाई, भाई नहीं तू टट्टा है मेरा भाई, भाई का बढ़ा रहा है तू टट्टा है मेरा बहन के लंड। मेरे को भेजो 3.5 लाख फॉलोवर, तू भेजो अभी इधर बच्चा बन के आया है, भेजो तू भाई है मेरा भाई टट्टा है। यू क्या हो रहा ये क्या है भाई? अच्छा रेड लेबल, और अंदर के भाई चाय का पानी है, रसना 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 शरबत। ये देख भाई ये देख दीपक, हाँ तू जॉनर जॉन रहे हो भाई, ठीक है भाई तू ऑन्ड है, ऑन्ड रहेगा आप बता, और तू मेरी रॉन्ड है भाई, तू रॉन्ड रहेगा। बड़ा भाई है क्या क्यों मैं ऐसा? अक्की की तो बता दे, अनिकेत की तो बता दे, एयरपोर्ट पे किस करेंगे गेल? क्यों बता दे भाई, तेरे लिए बात चल रही है अभी, अंकित के लिए बात चल रही है, अंकित के बारे में बात। दीपक दीपक भाई बता दे, अंकित के बारे में बात चल रही है हमारे लाइव पर, अंकित के बारे में लाइव बात होगी, बस बात करता हूं भाई। अंकित को जो है भाई मैं कसम से कह रहा हूं, अंकित बहुत दिखने में ज्यादा ही खूबसूरत है भाई, जब ज्यादा खूबसूरत बंदा हो जाता है ना भाई, फिर ऐसे लड़कों को भाई लड़कियों की जगह पे उठा के लेके जाते हैं यूपी में, समझा? जब लड़कियां खत्म हो जाती है ना भाई, ऐसे लड़कों को उठा के लेके जाते हैं नवाबी शौकों के लिए। ये देख भाई ये 4 साल से जिम कर रहा है, अभी तक इसके डोले नहीं आ रहे। मैं लाइफ में स्पेशली आया था ना बोलने के लिए, सारे अपने जो गुज्जर भाई है ना भाई, 2 महीने में डोले निकल जाते हैं भाई, तेरे से बड़े डोले हैं। ओए बात सुन हरी, ओए मेरा मूड अच्छा कर, लाला भाई को ले नीचे से 2 मिनट। बेचो 4 साल से ए जिम बेचो 4 साल से भाई, अभी तक ना तेरा डोला फूटा ना, तू बेचो अपने अक्की भाई के डोले देखे तूने भाई कितने तगड़े, ये देख तू बेचो तो अभी भी भाई बच्चा लागे दूध पीता भाई। कह रहा हूँ तू 10 साल के बाद भी बाढ़ की लगोंगो। बिल्कुल बिल्कुल, ये देख अपने अक्की भाई का मैंने वीडियो डाला भाई, कतई मेरा दिल आ गया अक्की पे, मैंने वीडियो डाला ये देख। जीजा बनाएगा ये देख, अक्की जीजा बनाएगा अक्की दीपक वाह देखा, जाके तू सेब वाली जरूर दे।
मैं आपको नहीं कहता आप करते वीडियो, ये मेरी वीडियो बहुत वायरल हो रही है। भाई मेरी ये वीडियो लोगों को इतनी पसंद आ रही है, इतनी पसंद आ रही है, और इतना इतना लोगों ने प्यार दिया ये वीडियो के लिए। और अक्की भाई की जो वीडियो ना भाई, मैं रोया वो वीडियो देखकर, मैं ये वीडियो देखकर बहुत रोया हूँ अक्की भाई की। ये देखो अक्की भाई, मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। देखो हमने ये जो केक का प्रोग्राम किया है ना भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 10 लाख व्यूज है आपको ये। देखो मैं आपको बताता हूँ भाई, ये केक का जो अपना प्रोग्राम है ना भाई, तगड़े व्यूज है, 10 लाख व्यूज आपको मिले हैं। और 10 लाख लोगों को ये संदेश दिया है कि भाई आप लोग दान धर्म करो। ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो वीडियो है आपका, इसको मिले है ये देखो 2,10,000, नहीं 2 लाख इसको मिले, 2,01,000 व्यू। ओके, उसके बाद में ये नीचे वाला वीडियो, इसको मिले 2,25,000, इसको मिले भाई 2,40,000। ओके, और दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो आपका ये जो वीडियो, इसको मिले 1,56,000। आपका ये जो वीडियो है ना भाई, इसको मिले 2,16,000। ये देखो 240, 2,14,000 भाई, आप बिलीव नहीं करोगे। और स्टोरी जो है ना भाई आपकी, 1,01,000 भाई, 10 लाख व्यूज बहुत बड़ी बात होती है। और ये प्रोग्राम में अनिकेत भैया और अंकित भैया आप होते ना, आपको 10 लाख व्यूज आपको भी मिलते, लेकिन आपने मिस किया ये प्रोग्राम। कोई नहीं भाई, हम नेक्स्ट टाइम कर देंगे। और भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो जो केक कटिंग का वीडियो है ना भाई, काटने से अच्छा बांटने को व्यूज है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, इतने हजारों में कॉमेंट से वीडियो के नीचे की, अक्की भाई आपने दिल जीत लिया। अक्की भाई मैं कसम से कह रहा हूँ, वो जो आप गरीबों का जो वीडियो है ना, जिसमें आप केक बांट रहे भाई, मैं रोया, मेरी आंखें सूज गई। और मैंने पीछे नीरज भाई पेप्सू का गाना लगाया, उससे मुझे और रोना आ गया भाई। मैं कसम से कह रहा हूँ, बहुत इमोशनल हो जाता है बंदा जब पेप्सू भाई का गाना लगता है ना भाई पीछे, मैं कसम से कह रहा हूँ रोना आ जाता है भाई। मैं बहुत रोया ये वीडियो देखकर, और मेरे दिल में, मैं कसम से कह रहा हूँ अक्की भाई, ये वीडियो से ना तुमने भाई मेरे दिल में जो जगह बनाई है ना दीपक भाई, भाई मेरी बहुत इज्जत बढ़ी है, इससे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। तुम्हें पता है मेरा केक बहुत बड़े आदमी ने काटा, ये देखो भाई, ये छोटी बात नहीं है, 5-स्टार होटल में आपके केक कट रहे भाई, ये बड़ा आदमी है। बहुत ही देखो, हम लोग यहाँ पर मुंबई में है, ग्रैंड हयात होटल में, एक उपलक्ष्य है हमारे नारायण साहब का जन्मदिन है, जो की गुड़गांव हरियाणा से है, यहाँ मुंबई आए हुए भाई। ये वीडियो को कितने व्यूज है पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो को 2,14,000 व्यूज है। ये देखो 2,14,000 व्यूज है इसको भाई। इन्होंने मुझे पहले ही बोला था भैया ने कि आपका केक कटेगा। देखो ऐसे कुछ नहीं है, मेरे हर जगह पे फॉरेन में, भले वो न्यूयॉर्क हो, लास वेगस, हर जगह पे केक कटे, बट मुझे आपके वो भिखारी में, जो आपने गरीब लोगों में झुग्गी में जाके वो बांटा ना भाई, उससे एक अलग। अभी देखो विक्रांत भाई ने भी मेरे केक काटे, लेकिन विक्रांत भाई ने वो वीडियो नहीं बनाया, मतलब उन्होंने गरीबों में केक दिए, उन्होंने वीडियो भी बनाना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे केक विक्रांत भाई ने भी काटे मेरे, 51 केक्स काटे।